दोस्तों आज के वीडियो में सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री टेबल लिखने की शॉर्टकट ट्रिक। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येश ठकरार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को लिखने की ट्रिक। तो ये ट्रिक जो है जनरली ट्रिगोनोमेट्री है जो मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है और उसमें ये टेबल एकदम बेसिक चीज है। ये टेबल के मदद से आप जो है ट्रिगोनोमेट्री के काफी प्रॉब्लम सोल्व कर पाएंगे। तो ये टेबल याद रखना बच्चों के लिए मुश्किल होता है। तो ये कैसे इस टेबल को आप जो है सिस्टमेटिकली याद रख सकते हो उसके लिए ये ट्रिक है। तो आपको सिर्फ जो यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने पूरा टेबल जो है बना के रखा है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा, और ये जो है एंगल से 0, 30, 45, 60 एंड 90। बराबर, अभी आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हो मैंने कुछ लिख के रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 0 डिवाइड बाय 4 अंडर रूट में लिखा है। ऐसे 0, 1, 2, 3, 4 सबको डिवाइड किससे किया है, 4 से किया है। बराबर, और सब अंडर रूट में है। तो आपको ये इतना सिर्फ याद रखना है कि ये चार, ये पांच जो है एंगल के हिसाब से है, बाकी का टेबल आप अपने आप लिख पाओगे। कैसे लिख पाओगे, तो पहला लाइन जो बनेगा वो इसका आंसर बनेगा। तो 0 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, 0। फिर 1 बाय 4 है तो उसका अंडर रूट लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 बाय 2। बराबर, ऐसे ही 2 बाय 4 है तो 2 बाय 4 क्या होता है, 1 बाय 2 होता है, उसका स्क्वायर रूट लो तो क्या आ जाएगा, 1 बाय रूट 2। तो यहां पे क्या आ जाएगा आंसर आपका, 1 बाय रूट 2। ऐसे ही 3 बाय 4 है, 3 बाय 4 है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, √3 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, √3 बाय 2। बराबर, 4 बाय 4 क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट लोगे क्या आ जाएगा, 1। बस इतना चीज अभी आपने कर लिया तो बाकी का टेबल आप इजीली लिख पाओगे। कैसे लिख पाओगे, तो कोस थीटा के लिए क्या करना है हमें, ये एग्जैक्टली ये रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो यहां पे 1, फिर यहां क्या था, √3 बाय 2 था, ये तो यहां का सेम ही आएगा, फिर ये 1 बाय 2 इधर चला जाएगा और ये 0 इधर चला जाएगा। लो आपका कोस थीटा भी हो गया। अभी आपको सबको पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा होता है। तो आपको क्या करना है, इस तो 0 डिवाइड बाय 1 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करो 1 बाय 2 डिवाइड बाय √3 बाय 2, देखो यहां पे मैं करके देखता हूं, 1 बाय 2 डिवाइड बाय, ये इजी पड़े इसके लिए, तो ये 2 2 उड़ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1 बाय √3। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1 बाय √3। बराबर, यहां पे वैसे ही सेम, ये √2 √2 कैंसल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो ये √2 और ये √2 दोनों ही जो है डिनोमिनेटर में है तो उड़ जाएगा, और ये 1 डिवाइड बाय 1 होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे यहां पे 2 2 गए तो क्या आंसर आ गया, √3। अभी 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं अनडिफाइंड। बराबर, तो यहां पे ये जो है 10, 90 क्या हो जाएगा आपका, अनडिफाइंड। बराबर, अभी कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा इज 1 डिवाइड बाय साइन थीटा है। बराबर, तो हमें क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 0 क्या आ जाएगा, फिर से अनडिफाइंड आ जाएगा। जैसे यहां पे 1 बाय 0 आया था वैसे ही 1
डिवाइड बाय जीरो, तो क्या आ जाएगा अनडिफाइंड। बराबर, फिर क्या आ जाएगा वन डिवाइड बाय वन बाय टू, तो ये कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहां पे टू आ जाएगा। फिर वन डिवाइड बाय वन बाय रूट टू, तो ये रूट टू ऊपर चला जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा रूट टू आ जाएगा। बराबर, फिर यहां पे क्या हो जाएगा वन डिवाइड बाय रूट थ्री डिवाइड बाय टू, ये टू ऊपर चला जाएगा तो टू डिवाइड बाय रूट थ्री। बराबर, ऐसे ही वन डिवाइड बाय वन क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। तो आपने देखा कोसेक थीटा क्या होता है वन डिवाइड बाय साइन थीटा, तो आप पूरे आंसर यहां पे निकाल पाए। सेम यहां पे हम देखेंगे सेक थीटा के लिए, तो सेक थीटा आपका क्या होता है, सेक थीटा जो है वो होता है आपका वन डिवाइड बाय कोस थीटा। व्हाट इज योर सेक थीटा इज वन डिवाइड बाय कोस थीटा। बराबर, तो वन डिवाइड बाय वन करोगे, यहां पे देखो ये कोस थीटा वन है वन डिवाइड बाय वन, तो ये क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। फिर क्या है वन डिवाइड बाय रूट थ्री बाय टू, बराबर, तो क्या आ जाएगा टू डिवाइड बाय रूट थ्री। बराबर, फिर वन डिवाइड बाय वन रूट टू, आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पूरा ये जो कोसेक थीटा था उसका पूरा उल्टा हो जाएगा। फिर यहां पे क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, देखो यहां से वन लिया ये टू रूट थ्री यहां से आ गया, रूट टू यहां से आ गया, फिर टू यहां से आ गया, और ये क्या होगा आपका अनडिफाइंड। बराबर, तो ये हो गया आपका सेक थीटा। आप दो तरीकों से कर सकते हैं सेक थीटा में, एक तो यहां का कोसेक थीटा का पूरा उल्टा लिख दो या वन डिवाइड बाय कोस थीटा लेके कर दो। फिर है आपका कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है वन डिवाइड बाय कोट थीटा इज इक्वल टू वन बाय टेन थीटा। बराबर, तो जीरो डिवाइड बाय वन करूं क्या आ जाएगा आपका, सॉरी जी आपका वन डिवाइड बाय क्या करना है जीरो करना है, तो ये क्या आ जाएगा आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। बराबर, फिर क्या है वन डिवाइड बाय वन रूट थ्री, तो क्या आ जाएगा रूट थ्री ऊपर चला जाएगा तो यहां पे आंसर आएगा रूट थ्री। वन डिवाइड बाय वन करोगे वन ही आएगा। बराबर, फिर आपका वन डिवाइड बाय रूट थ्री, बराबर, तो क्या आ जाएगा वन डिवाइड बाय रूट थ्री। और यहां पे अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड क्यों होता है वन डिवाइड बाय जीरो है, उसका उल्टा करोगे तो जीरो डिवाइड बाय वन आ जाएगा, तो यहां पे क्या आंसर आ जाएगा आपका जो है जीरो। तो देखा दोस्तों कैसे आप जो है सिर्फ ये चीज याद रख के पूरा टेबल लिख पाए, तो ये जो है पूरा टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इजीली ऐसे टेबल को डिराइव कर सकते हो। और ये जितना प्रैक्टिस करोगे ये तो मुझे समझाने में टाइम गया, अदरवाइज बहुत ही स्पीडी तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो आई होप ये जो ट्रिगोनोमेट्री का ये जो टेबल है वो आपको अच्छे से समझ में आया है कि कैसे डिराइव करना है। कोई भी वैल्यू याद रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप इजीली सब वैल्यू जो है डिराइव कर सकोगे और वो भी विद इन 5 मिनट्स। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ये वीडियो जो है शेयर करें, अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।